हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके लाइफस्टाइल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सड़कों के बीच झाड़ियों तथा पौधे क्यों लगाए जाते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल वाली आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि झाड़ियाँ और पेड़ सड़कों को सुंदर दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये पेड़ और झाड़ियों को डिवाइडर के पर इस तरह लगाया जाता है कि रात के समय एक ओर से दूसरी ओर आने वाले वाहनों की रेड लाइट की रोशनी दूसरी ओर से ना पड़े और ना ही किसी और से आने वाले चालकों को कोई समस्या हो। कई बार इन पेड़ और झाड़ियों के ना होने की वजह से बहुत ही खतरनाक हादसा हो जाता है। इसी को देखते हुए ये पेड़ और झाड़ियाँ सड़कों के बीच डिवाइडर पर लगाए जाते हैं। इन पेड़ और झाड़ियों को सड़कों के बीच और किनारों में लगाने का एक और फ़ायदा है कि इसकी वजह से जंगली जानवर भी सड़कों पर नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार जंगली जानवरों के भी सड़क के बीच आ जाने से सड़क हादसा होने की संभावना होती है। तो यही कारण है कि सड़क के बीच झाड़ियाँ तथा पौधे लगाए जाते हैं। तो अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर।